दोस्तों आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और YouTube बेल आइकॉन दबाकर पाए दुनिया की सारी रोचक खबरें फटाफट। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता बबीता जी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर करके अपने साथ हुई शारीरिक शोषण की घटना का जिक्र किया था। हम आपको बता दें #MeToo कैंपेन के बाद विश्वभर की महिलाएं अपने साथ हुई शारीरिक शोषण की घटनाओं का जिक्र कर रही हैं। मुनमुन दत्ता के पहले भी कई सेलिब्रिटीज अपने साथ हुई शारीरिक शोषण की घटनाओं का जिक्र कर चुकी हैं। मुनमुन ने लिखा था कि बचपन में मैं अपने पड़ोस में रहने वाले एक अंकल से डरती थी, क्योंकि उन्हें जब भी मौका मिलता था वह मुझे जकड़ लेते थे और मुझे धमकी देते थे कि मैं यह बात किसी को ना बताऊं। मुझसे उम्र में कहीं ज्यादा बड़े कजिन मुझे एक अलग निगाह से देखते थे। एक आदमी जिसने मुझे अस्पताल में पैदा होते हुए देखा था और बाद में जब मैं 13 साल की हुई तो उसने मुझे छूना सही समझा, क्योंकि मैं एक टीनेजर थी। आगे उन्होंने यह भी लिखा कि मेरा ट्यूशन टीचर मेरे नीचे हाथ लगाता था। दोस्तों इस प्रकार की घटनाएं जो महिलाएं पहले कभी ना चाहते हुए भी अपने अंदर दबा के रखती थी, तो उन्हीं महिलाओं को #MeToo कैंपेन ने एक ताकत दी है और इसमें विश्वभर की महिलाएं अपने साथ हुई इस प्रकार की घटनाओं का जिक्र करती हैं। दोस्तों मुनमुन दत्ता की एक्टिंग आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कॉमेंट और शेयर कीजिए। ऐसी ही और रोचक खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।